भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने अपना 24वां दीक्षांत समारोह मनाया, जिसमें छात्रों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी पाठ्यक्रमों में डिग्री दी गई। रुड़की आईआईटी परिसर के दीक्षांत भवन में आयोजित समारोह में प्रोफेसर के पंत ने सभी छात्र और छात्राओं को शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है और उन्हें डिग्री उपलब्ध कराई गई, जिसे लेकर वह बहुत खुश हैं। समारोह के दौरान छात्र छात्राओं में उत्साह दिखाई दिया। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि एक पीएचडी डिग्री फ्रॉम सच एन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन से मुझे मिली है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर माय ओन सेल्फ एंड फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज गेटिंग डिग्री, हु इज गेटिंग कॉन्वोकेटेड हियर। थैंक यू सो मच। परिश्रम करना पड़ता है, बहुत बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड बहुत ही फोकस होकर के अपने काम पे टारगेट करके ही एक टाइमलाइन में हमें अपना काम कंप्लीट करना होता है, विच इज़ वेरी एसेंशियल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सुपरवाइजर ऑल्सो, जिनकी मेटिक्यूलस सपोर्ट से मेरा पीएचडी विद इन द टाइम फ्रेम कम्प्लीट हुआ और आई एम सो हैप्पी। मेरी डिग्री अर्थ साइंसेज है, इंटीग्रेटेड एमटेक, और मतलब 5 साल की जो डिग्री होती है, और बाकी मतलब वही जेई दे के आए हैं। मज़ा आया कॉलेज में, मतलब मैं तो कहूँगा कि सबसे अच्छा पार्ट है लाइफ का, और भी अच्छा लग रहा है डिग्री मिल रही है तो। यार मतलब ऐसा था पूरा हॉस्टल लाइफ, जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तब से वो से शुरू होता है, तो जब एकदम से आप कॉलेज में आते हो ना और हॉस्टल में कोई किसी को जानता नहीं, पर फिर ऐसे सब धीरे धीरे दोस्त बनने शुरू होते हैं, मतलब एक दूसरे के नए नए रूममेट होते हैं, तो वो मस्ती करते करते अच्छा लगता है। प्रोडक्शन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में, और मैं यूपी से हूँ, और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस से कॉलेज आकर, और यूपी में धामपुर से। परिश्रम तो कुछ नहीं, बस पेरेंट्स का सपोर्ट रहा पूरा, उसी में सब हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।